हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस वीडियो में न्यू टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यूज ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट भी करें। आज का टॉपिक यूज ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स। तो हम प्रथम प्रयोग यूज ऑफ वर्ब टू बी के रूप में करेंगे। यूज ऑफ वर्ब टू बी, यूज ऑफ बी वर्ब। इस क्रिया बी वर्ब के क्रिया के कुल पांच रूप हैं, इज, एम, आर और वाज वर। तो इज, एम, आर ये तीन कहाँ लगते हैं? प्रेजेंट टेंस में लगते हैं। वाज वर ये दो पास्ट टेंस में लगते हैं। तो इन्हीं के ऊपर एग्जांपल हम बताएंगे यूज ऑफ वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज वर। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है और वाज वर पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। तो पहला एग्जांपल है, मोहन मेरा दोस्त है, या मोहन मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। इसको हम क्या बना देंगे, मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन। अब मैं क्या प्रयोग करना है, इज, क्योंकि यहां पे मोहन है सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन इज माय फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे यहां है, तो वे, दे। अब यहां पे देखते हैं कि वे ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हम आर का प्रयोग करेंगे, दे आर हेयर, दे आर हेयर। और ये बी वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में सहायक भी होती है, जैसे वह कॉलेज जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। She is going to school. Okay. और ये पैसिव वॉइस बनाने में भी सहायक होती है, जैसे पत्र लिखा जा रहा है, The letter is being written. The letter is being written. Okay. इसका हम अदर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं वाज और वर का, जैसे तुम प्रसन्न थे, तुम प्रसन्न थे, यू वर हैप्पी, You were happy. जैसे मेरी किताबें मेज पर नहीं थी, My books were not on the table. My books were, क्योंकि were क्यों लगा, क्योंकि यहाँ किताबें ज्यादा हैं, इसलिए इसमें यस लगा है, किताबें। My books were not on the table. ओके, क्लियर, माय बुक्स वर नॉट ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह व्यक्ति ईमानदार है, इज ही एन ऑनेस्ट मैन,
ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इज ही एन अनेस्ट मैन क्वेश्चन मार्क। जैसे वे बहादुर हैं, दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव। इसको हम वर के प्रयोग से भी बना सकते थे, जैसे यहां पे कह वे बहादुर थे तो दे वर ब्रेव, कुछ भी कैसे कर सकते थे। तो ऐसे ही आप अदर एग्जांपल बना सकते हैं, इज एम आर वाज वर के। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज ऑफ हैज हैव हैड के चर्चा करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। सो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।